सो गाइस अंडर 5000 प्राइस ब्रैकेट यहां पे सोनी ने अपने नए TWS लॉन्च कर दिए जिसका नाम है सोनी क्या नाम है कूला देखा आपने लापरवाही का नतीजा है जिसका नाम है सोनी WFC510 एंड वैसे गाइस पिछले कुछ टाइम से मैं इन TWS को यहां पे यूज कर रहा हूं तो देखेंगे अंडर 5000 प्राइस ब्रैकेट ये कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करते हैं तो बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग एंड यस गाइस सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। सो गाइस कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है एंड बॉक्स को ओपन करते काफी बढ़िया पैकेजिंग में सबसे पहले यहां पे आपको काफी बड़ा सा पेपर वर्क देखने मिलता है। उसी के साथ यहां पे उन्होंने वो एक्चुअल TWS प्रोवाइड किए पेपर रैप आपको देखने मिलता है यहां पे हमारे पास व्हाइट कलर में। वैसे गाइस मैं बता दूं और भी कलर ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। उसी के साथ यहां पे आपको कुछ एडिशनल ईयर टिप्स भी देखने मिलते हैं। जी हाँ गाइस, सोनी ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया है, टाइप सी चार्जिंग केबल प्रोवाइड ही नहीं की है। शिट। सो गाइस ये जो बर्ड्स है ना यहाँ पे कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आपको देखने मिलेंगे एंड फ्रंट में यहाँ पे उन्होंने LED लाइट इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिलता है एंड उसी के साइड में रीसेट बटन भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे आपको चार कलर ऑप्शंस देखने मिलते हैं, एक है ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड येलो। एंड बर्ड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वैक्यूम टाइप बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं एंड बर्ड्स के साइड में यहाँ पे आपको एक बटन देखने मिलता है म्यूजिक एंड कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड वैसे गाइस लिड की अगर मैं बात कर रहा हूं ना तो इतना ज्यादा स्मूथ इसका लिड फील नहीं होता, थोड़ा सा यू नो स्टर्डी लिड यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। बट गाइस कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आपको देखने मिलता है, पॉकेट में आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम इसे पेयर करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल फास्ट पेयर का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन है ना सोनी साउंड कनेक्ट उसे आपको डाउनलोड करना है। सो गाइस बात करेंगे फिटिंग को लेके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल इसकी फिटिंग यहाँ पे निकल के आती है। एंड गाइस अगर फिटिंग कंफर्टेबल नहीं है तो बॉक्स के अंदर जो एडिशनल ईयर टिप्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे ना उसकी हेल्प से आप फिटिंग को कंफर्टेबल कर सकते हो। वैसे गाइस अगर मैं ईयरबड्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको 6mm के ड्राइवर्स इसके साथ देखने मिलते हैं। बड्स बेस्ड है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 पे एंड यहाँ पे आपको SBC एंड AAC कोडेक सपोर्ट भी देखने मिलता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी साउंड क्वालिटी। सो गाइस यहाँ पे हमने इंडोर्स एंड आउटडोर्स दोनों भी सिनेरियोस में सॉन्ग्स को एंजॉय किया एंड डेफिनेटली गाइस साउंड वाला जो पार्ट है ना काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग निकल के आता है क्योंकि गाइस सोनी की ईयरबड्स है। एंड गाइस अगर आपके हिसाब से साउंड प्रॉपर नहीं है ना तो एप्लीकेशन में जाके साउंड को आप इक्विलाइज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। बट गाइस अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट पे आपको ANC का सपोर्ट देखने नहीं मिलता है। वैसे उन्होंने ANC प्रोवाइड किया है सो जब भी आप इसे वेयर करोगे ना बहुत हद तक बैकग्राउंड का नॉइस कैंसिल आउट हो जाता है बट ANC नहीं है। एंड ऐप के अंदर यहाँ पे आपको एम्बियंट मोड का भी ऑप्शन देखने मिलता है जिसकी हेल्प से एम्बियंट साउंड बहुत हद तक एनहांस्ड आपको सुनने मिलता है। सो गाइस ओवरऑल अगर मैं साउंड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो बेस वाला पार्ट है, मिड्स हो गए या फिर जो ट्रेबल वाला पार्ट है ना काफी ज्यादा बैलेंस्ड आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। एंड जी हाँ गाइस बर्ड्स के साइड में यहाँ पे आपको माइक्स भी देखने मिलते हैं। सो गाइस इसके माइक्स एग्जैक्टली साउंड कैसे करते हैं इसके लिए आउटडोर में हमने एक यू नो ऑडियो रिकॉर्ड किया है इस पर्टिकुलर बर्ड्स की हेल्प से, प्ले करता हूं उस पर्टिकुलर ऑडियो को। सो गाइस यहां पे जो भी ऑडियो आप सुन पा रहे हो ना ये सोनी के बर्ड से यहां पे आउटडोर्स में रिकॉर्ड हो रहा है। डेफिनेटली यहां पे थोड़ी बहुत विंड ब्लो रही है, कोई बैकग्राउंड में यहां पे बात कर रहा है तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आउटडोर्स में साउंड एग्जैक्टली कैसे आएगा जब भी आप कॉल प्लेस कर रहे हो। सो डेफिनेटली गाइस कॉलिंग पर्पस के लिए आउटडोर में भी आप इसे यूज कर सकते हो। एंड वैसे गाइस यहाँ पे जो टच कंट्रोल्स आपको देखने मिलते हैं ना टच बटन उसकी हेल्प से आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो बहुत ही इजीली। नेक्स्ट ट्रैक पे डबल टैप करते ही आप स्विच कर सकते हो एंड ट्रिपल टैप करते आप प्रीवियस ट्रैक पे भी स्विच हो सकते हो। एंड जी हाँ गाइस एप्लीकेशन के अंदर जाके आप टच कंट्रोल्स को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड यहाँ पे इन बर्ड्स के साथ आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी देखने मिलती है, आप देख सकते हो यहाँ पे साइमल्टेनियसली मेरे फोन के साथ एंड लैपटॉप के साथ यहाँ पे मैंने TWS को कनेक्ट किया है। सो लैपटॉप के ऊपर अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं यू नो म्यूजिक को लैपटॉप से एंजॉय कर सकता हूँ एंड फोन पे अगर कॉल आ रहा है तो कॉल को डायरेक्टली फोन से भी रिसीव कर सकता हूँ। टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको IPX4 वाटर रेजिस्टेंस का रेटिंग भी देखने मिलता है। गलती से पानी इसके ऊपर स्प्लैश हो जाता है टेंशन मत लीजिए, मतलब क्या जॉगिंग के लिए अगर आप यूज करो स्वेट आ रहा है तो यहाँ पे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे समझ गए भाई समझ। एंड उसी के साथ डायरेक्टली हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन के UI की तरफ। सो गाइस ये है सोनी साउंड कनेक्ट एप्लीकेशन एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको मॉडल नंबर देखने मिलता है, यहाँ पे बर्ड्स की बैटरी केस की बैटरी आपको देखने मिलते हैं, AAC DAC कोडेक सपोर्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एम्बियंट साउंड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इक्विलाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने मिलता है,
आपके हिसाब से यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इक्वलाइज कर सकते हो, प्लस कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड यस, फाइंड योर इक्वलाइजर का भी ऑप्शन है, ईयर एनालिसिस आपको देखने मिलता है। फिर यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन स्टेबिलिटी DSC को हमने ऑटो पे सेट किया है। सिस्टम्स में यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टच कंट्रोल्स को आपके हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड सर्विसेज में स्पॉटिफाई को भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर गाइस नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। यहाँ पे हमने दो डिवाइसेस के साथ इसे पेयर किया था। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल एंड एडिट के ऑप्शन में जाके आप यू नो विजेट्स को भी एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से। सो गाइस काफी बढ़िया यूआई आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ। एंड गाइस बैटरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बड्स के साथ आपको 11 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने मिलता है। एंड केस के साथ एडिशनल 11 आवर्स का प्लेबैक टाइम, मतलब टोटल 22 आवर्स का प्लेबैक टाइम। बट गाइस आइडियल सिनेरियो में यहाँ पे आपको 15 से लेकर 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने मिलता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यू नो फॉर्म फैक्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है इस पर्टिकुलर केस एंड बड्स का। एंड गाइस फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी आपको देखने मिलता है, 5 मिनट्स के चार्ज पे 1 आवर का प्लेबैक टाइम आपको देखने मिलेगा। सो वैसे गाइस ये जो बड्स है ना, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अमेजोन पे 4,499 के मिल रहे हैं, मतलब 4,500 रुपए की प्राइस में। एंड मेरे हिसाब से गाइस यू नो ऐप इंटरफेस हो गया, साउंड क्वालिटी हो गई, उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये क्रिएट करते हैं। बट जी हाँ गाइस, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था, एंड कुछ कॉस्ट कटिंग भी किए जहाँ पे टाइप सी चार्जिंग केबल नहीं प्रोवाइड किया है बॉक्स के अंदर। वैसे गाइस आपको ये कैसे लगे, कितने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस लिंक आपको वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।